हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुनगुन। वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्नैक्स जिसका नाम है आलू टुक। आलू टुक बनाना बहुत ही आसान है। जितना इसे बनाना आसान है उतना ही ये टेस्टी बनता है और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आलू टुक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। आलू टुक बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो बेबी पटाटो, चाट मसाला 3/4 चम्मच, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, रिफाइंड ऑयल आलू टुक को डीप फ्राई करने के लिए। अब हम सबसे पहले आलू उबालेंगे। उसके लिए हम गैस की फ्लेम जलाकर एक पैन गरम कर लेंगे और इसमें हम आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे और पानी में हम उबाल आने देंगे। इसके लिए हम पैन को कवर कर लेंगे ताकि पानी में उबाल जल्दी आ जाए। ये आप देख सकते हैं पानी में उबाल अच्छी तरह से आ चुका है। अब इसमें हम बेबी पटेटो डालेंगे। ये मैंने आलू को अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें हम एक एक करके आलू डालेंगे। ये हमने इसमें सारे आलू डाल लिए हैं। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच के करीब नमक डालेंगे ताकि आलू जल्दी से बॉईल हो जाएं। अब हम पैन को कवर कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे आलू को बॉईल करेंगे। हाई फ्लेम पर आलू को बॉईल करने से आलू अंदर से बॉईल नहीं होते हैं, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे आलू को बॉईल करेंगे। आलू को बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। अभी ये आलू पूरी तरह से उबले नहीं है, इसे हम थोड़ी देर और उबाल लेंगे। इसे हम दोबारा कवर कर लेते हैं और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। हम आलू को कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं, पर ध्यान रखें आलू को हमें ओवर कुक नहीं करना है और आलू टूटने भी नहीं चाहिए। ये हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं, इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये पूरी तरह से बॉईल हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये आलू बॉईल होने में लगभग 15 से 18 मिनट लगे हैं। ये हमने आलू को प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक आलू ठंडा होता है तब तक हम आलू टुक का मसाला तैयार कर लेते हैं। सारे मसालों को हम बाउल में डालेंगे। तो सबसे पहले हम आमचूर पाउडर लेंगे, चाट मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, नमक लेंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने तीखे के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा आलू टुक का बेस्ट मसाला रेडी है। तो अब हम आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और आलू हमारे हल्के ठंडे हो चुके हैं। आलू को हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, हल्का ही ठंडा करना है। अब आलू को हम प्रेस कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। आलू के ऊपर हम नाइफ रखेंगे और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से दबाएंगे। इस तरह से हमें इस तरह से बना लेना है। आप इसे किसी छोटे बाउल, ग्लास या फिर हाथ से भी कर सकते हैं। हम इसे बिल्कुल हल्का हल्का दबाएंगे। आलू को हमें पूरी तरह से तोड़ना नहीं है, इसे हमें हल्के हाथों से प्रेस करते हुए क्रैक करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। इसे करना बहुत ही आसान है। ये हमने सारे आलू को दबा के क्रैक कर लिया है। तो अब इसे हम तल लेंगे। आलू को फ्राई करने के लिए हम गैस की फ्लेम जलाकर एक पैन गरम कर लेंगे और पैन को हम अच्छी तरह से गरम होने देंगे। पैन हमारा अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब इसमें हम तेल डालेंगे और तेल को भी हम अच्छी तरह से गरम होने देंगे। तेल भी हमारा अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके आलू डालेंगे। ये मैंने आलू डाल लिए हैं। अब इसे हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे तलेंगे। 1 मिनट हाई फ्लेम पे तलने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर आलू को 4 मिनट के लिए तल लेंगे। और याद रखें इसे हम बीच बीच में पलटते रहेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से तले। और इसे हम बड़ी ही सावधानी से पलटेंगे ताकि ये टूटे नहीं, या फिर इसे हम 2 मिनट एक तरफ से और 2 मिनट दूसरी तरफ से तल लेंगे। ऐसा करने से आलू को हमें बार बार पलटना नहीं पड़ेगा। 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम आलू को 1 या 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे ताकि आलू अच्छे क्रिस्पी हो जाएं। इसे हम एक बार पलट भी लेंगे। ये आलू हमारे तल करके तैयार हैं। अब हम गैस का फ्लेम लो करके इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और इसी तरह से बाकी के बचे हुए आलू भी तल लेंगे। ये भी हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे।
ये मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है। अब इस पर हम मसाला डालेंगे जो हमने पहले ही बना लिया है। अब इस पर हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से मसाला डाल लेंगे। एक तरफ से मसाला डालने के बाद हम आलू को पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी मसाला अच्छी तरह से डाल लेंगे। आप मसाला अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये हमारा आलू तुक बन करके रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बना है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं या फिर स्टार्टर में भी सर्व कर सकते हैं। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।